आरक्षण का प्रावधान ऐसे वर्गों के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्मावलंबी के हों, जो वर्तमान में एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था से बाहर हैं, अर्थात आज की तारीख में वो अनारक्षित वर्ग में माने जाते हैं, ऐसे सब लोगों को मिलेगा। उसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है और अन्य अन्य प्रकार की ऐसी जातियां हैं जो एससी एसटी ओबीसी में नहीं आती है। उस पटेल भी है, जाट भी है, गुजर भी है, आंजना भी है, सोंदिया भी है और मुस्लिम धर्मावलंबी भी है, ईसाई धर्मावलंबी भी है और जिस धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण प्रणाली से बाहर हैं, वो सब लोग इस प्रावधान का लाभ ले सकेंगे।